नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज थ्री रिजिड रॉड्स आर ज्वाइन टू फॉर्म एन इक्वेलेटर ट्राइंगल ए बी सी ऑफ साइड वन मीटर थ्री पार्टिकल्स कैरिंग चार्ज ऑफ ट्वेंटी पीकोकुलम आर ईच आर अटैच टू द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल से आपने को कंडीशन दी हुई द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम सवाल ये रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल एट ए हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑप्शन है जीरो थ्री पॉइंट सिक्स थर्टी सिक्स टू थ्री या फिर सेवन पॉइंट टू न्यूटन अगेन अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है सिनेरियो uh, ये है कि ये आपकी तीन रॉड्स एकटरल ट्राइंगल 60 के एंगल पे ऐसे करके आपने uh, तीनों रॉड रख दिए तो ये आपकी साइड ए बी और सी लेट्स से दिस द दरियो अब आपने तीन चार्जेस लिए जो यहाँ पे रखे तो एक चार्ज यहाँ पे रखा एक चार्ज यहाँ पे रखा एक चार्ज यहाँ पे रखा ना इस सवाल को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में करेंगे सो so हम कहेंगे क्योंकि ये चार्ज आपका क्यों है ये चार्ज क्यूँ है और ये वाला चार्ज क्यों है तो इसकी वजह से एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा ये इसके दो रिजल्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा ठीक है सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोसेटिंग में हम ऐसी बातें करते हैं यहाँ पे अपने को कंडीशन दे रखी है द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल आपका सारे पार्टिकल जो हैं वो सारे रेस्ट पे हैं विच एम्प्लाइज उनका एक्सलेशन जीरो होएगा विच एम्प्लाइज एफ नेट उसके ऊपर जीरो होएगा सो नेट फोर्स इनका जीरो होएगा क्यों जीरो है ये सवाल में नहीं दे रखा मे भी कुछ और सिनेरियो, है कुछ और चार्जेस हैं इट कुड बी समथिंग एल्स लेकिन इस केस में क्योंकि सिस्टम इज एट रेस्ट और आपका इनर्शियल uh, फ्रेम में रेस्ट पे है इस वजह से आपका नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होएगा सो ऑप्शन ए ज़ीरो वुड बी द राइट आंसर